नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआरडी न्यूज। मैं हूं कुंवर खेमचंद प्रजापति। बड़वानी जिले के पलसुर में कल हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आज इंदौर रेंज के आईजी विवेक शर्मा 3 घंटे पलसुर रहे। आईजी इंदौर श्री विवेक शर्मा के साथ एसपी बड़वानी और एसडीओपी राजपुर भी उपस्थित रहे। पूरी घटना के निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश। इस दौरान आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। आईजी ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिख समुदाय ने कहा प्रकरण दर्ज हो। कल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद में 2 पुलिस कर्मियों द्वारा युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो वायरल के बाद भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने की थी कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री ने बताया घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दिए थे कार्रवाई के निर्देश। एसपी बड़वानी ने कल 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। सिख समुदाय ने कहा दोनों ही पुलिस कर्मियों पर प्रकरण दर्ज हो। वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम प्रेम सिंह चावला, पिता का नाम मगन सिंह चावला है जी, और खालसा नगर पलसूद तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं जी। और आप जी सब जानते हैं कि हम क्या घटना थी कल। हम ताले चाबी की दुकान लगाते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि सब देखने वालों को कि हमारा गुरु घर बना हुआ है यहाँ पर गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में मैं ज्ञानी जी हूँ, ग्रंथी की ड्यूटी करता हूँ, सवेरे शाम नित्यनेम भी करता हूँ, लेकिन वो नित्यनेम होता रहता है और मैं दिन के अंदर मेरे चाबी और ताले की दुकान लगाने के लिए चला जाता हूँ। जो पुरानी चौकी है वहाँ पर जाके मैं दुकान लगाता हूँ, लेकिन शाम को कल 5:30-6 बजे के बीच में मैडम आई थी, एक गाड़ी लेके बड़ी। मैडम का नाम है कविता कनेश और थानेदार था 1 स्टार, उनका नाम है सीताराम भटनागर और हेड साहब है मोहन जमरे। इन तीनों ने मिलके मेरे से कहा कि आप दुकान हटाओ नहीं तो आप पैसे दो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास सिर्फ 200 रुपए धंधे के मैंने कमाए थे। उन्होंने बोला इसको साले को पकड़कर गाड़ी में डाल लो। मेरे को जबरन डालने लगे, लेकिन मैंने जो नीचे घिसड़ते हुए मेरी पगड़ी खोल दी गई और मेरे को घसीटते हुए बाल पकड़कर घसीटा गया। मैंने बहुत कहा, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैडम जी आप मेरे को बख्श दो, आप मेरे को छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर भी वो नहीं माने और मेरे को ले गए। वाहेगुरु जी का खा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इंदौर रेंज के आईजी श्री विवेक शर्मा। हमारे केस की बेइज्जती होना हमारे गुरु की बेइज्जती हुई है, हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे, बस यही विनती निवेदन करते हैं। जो ये घटना हुई है जिसका वीडियो कल वायरल हुआ था उसकी जांच के लिए मैं आया हूँ। दोनों पक्षों की इसमें क्या क्या उनका कहना है ये चीज़ मैं ज्ञात करूँगा। घटना क्या हुई, क्यों हुई, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये सब जांच के विषय होंगे। और मैं आज यहाँ पर बयान रिकॉर्ड करूँगा दोनों पक्षों के, और जो बाकी और जो इसमें एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाएगा। इसके अभी अभी देखिए अभी एक अभी मैंने यहाँ पर थाने की कार्रवाई देखी है। अभी मैं जो दूसरा पक्ष है उसके बयान लेने जा रहा हूँ और उसके बाद जो साक्ष्य पूरा संकलन हो जाएगा उसके पश्चात ही कुछ लगभग कितना समय लगेगा पूरा। देखिए अभी आज मैं साक्ष्य एक बार देख लूँ क्या क्या चीज़ है, उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा फिर उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस नजरिए से देखते हैं तो ऐसी घटनाओं का देखिए इसमें अभी पहले जब तक पूरी चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी इसमें मैं कुछ भी नहीं। पंजाब की एसजीपीसी दिल्ली की जो संस्था है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली, प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजीत सिंह भाटिया और विदेशों में जो बसी सिख संस्थाएं हैं एमआरआई जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं सर, और छोटे छोटे रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। पर चूंकि ये बीमारी है सर, ये कोई बड़ी बीमारी। सीआरडी न्यूज के लिए पलसू से ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा है नहीं, एजुकेटेड है नहीं, व्यापार व्यवसाय की